हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राण प्रिय श्री राधा गोपीनाथ गौर नित्य महाप्रभु नरसिंहदेव भगवान भक्त श्रोमणि प्रहलाद महाराज की, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव श्री श्री राधा रास बिहारी शिला प्रभुपाद की, गौरव प्रेमानंदे। इस आध्यात्मिक जगत में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पितृपक्ष और श्राद्ध के विषय में। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानते मृन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरौभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के जो आखिरी के 15 दिन होते हैं, वो मूल रूप से पितरों को स्मरण करके उनका धन्यवाद करने के लिए होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव को इस संसार में आनंद और सुख की आवश्यकता है, और आनंद और सुख दो तरह से मिलता है, एक तो आपके कर्मों के कारण और दूसरा आशीर्वाद के कारण, है ना। तभी हम जाते हैं, माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं, संतों से आशीर्वाद लेते हैं, भक्तों से आशीर्वाद लेते हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो ये जो समय है वो स्पेशली भाद्रपद की जो पूर्णिमा है उसका अश्विन मास में कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक जीवों को जो पितृगण हैं उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का एक समय है। इसलिए ये समय स्पेशली हमको उनका स्मरण करके और उनके लिए श्राद्ध अर्पण करने के लिए दिया गया है। श्राद्ध का मतलब क्या होता है? श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से अपने पितरों के लिए कुछ करना, उसे श्राद्ध कहा जाता है। तो क्या कर सकते हैं हम और कैसे वो हमारे पितरों तक पहुंचेगा? क्या आजकल लोगों के मन में इस बात के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है? लोग ये सोचते हैं भला हम यहाँ पर किसी ब्राह्मण को खिलाएंगे और हमारे पितर इतने पुराने मरे हुए हैं, उनको भला कैसे मिलेगा? तो
ये भगवान की व्यवस्था है, हमारा सनातन धर्म है। उस सनातन धर्म में वेदों में पहले से ही ये एक विधान बताया गया है कि हम अपने पितरों के लिए कैसे श्राद्ध अर्पण करके उनको आनंदित कर सकते हैं और क्यों करें। अगर पहला सवाल ये आता है भाई हम क्यों करें श्राद्ध, तो इसका कारण ये है कि हम अपने पितरों के ऋणी हैं। एक बार क्या हुआ, यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा क दुखी, एक ही प्रश्न है कि इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन है। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा वो जो संसार में ऋणी है ना, उससे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। ऋणी का मतलब क्या है, कर्जदार। जो कर्जदार है, जिसके ऊपर किसी का ऋण है, वो सबसे ज्यादा दुखी है। वो कभी आनंदित नहीं हो सकता, भले वो कितना ही रिच हो जाए, कितना ही फेमस हो जाए, कितनी ही लग्जरियस लाइफ में रहे, लेकिन अगर वो कर्जदार है, अगर वो ऋणी है, तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो हम सब तो खुश हो जाएंगे कि भाई हमने तो किसी का कोई कर्जा नहीं लिया, लेकिन खुश होने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक नंबर 11.5.41 में बताया गया है कि हम सब पर 5 प्रकार के ऋण हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। आज हम देखें, हम सदैव दुखी रहते हैं, उसका कारण, एक कारण ये भी है कि हमारे ऊपर 5 प्रकार के ऋण हैं। तो आप कहोगे भाई हमने तो किसी से कोई ऋण नहीं लिया, लेकिन आप देखिए श्लोक में बताया गया है देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितृणाम, देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितृणाम। देव, देव का मतलब होता है देवी देवताओं के। हम देवताओं की ऋणी हैं। कौन से देवताओं की ऋणी है, सारे देवताओं के। जैसे ये सूर्य देवता है, सूर्य देव हमें जीवन प्रदान करता है, सूर्य देव हमें यह जीवन प्रदान करता है, यह दिन प्रदान करता है। सुबह होती है तभी तो हमारा जीवन जो है वो प्रारंभ होता है। आप सोचिए कभी सुबह ना हो, सदैव रात होती रहे, तो क्या हम अपने कार्यों को सरलता से कर सकते हैं, कदापि नहीं। अगर ये सूर्य ना होता ना, तो ना ही वनस्पतियों में कोई है ना, उनको जैसे सूर्य प्रकाश से सारे पौधे उपजते हैं ना, उनको सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ में सूर्य प्रकाश से वाटर साइकिल होता है। सूर्य प्रकाश के कारण ही हम जो है वो एक नॉर्मल तापमान में रहते हैं। अगर सूर्य नहीं होता ना, तो हम जम के मर गए होते हैं। तो सूर्य का कितना बड़ा उपकार है, रोज सुबह होकर उदित होता है और हमें कहता है उठ जाओ, जाग जाओ, अब तुम कितनी देर तक सोओगे, है ना। सूर्य का ऋण है। दूसरा इस धरती का ऋण है, है ना। जब से पैदा हुए हैं, धरती के ऊपर चलते हैं, कभी भी धरती ने कोई कंप्लेन नहीं की कि तुम कितना उछल के चलते हो, कितना है ना मेरे ऊपर अपने अपने पैरों को रखते हो, कितना खाते हो, कितने मोटे हो गए हो, मैं तुम्हारा बोझ कब तक उठाऊं। हमारी सगी माँ भी है ना, वो कितना समय हमें उठाएगी, है ना, 1 साल 2 साल, जब चलना आ जाएगा ना, फिर अगर हम बोलेंगे ना मैया गोद में उठाओ, तो बोल नहीं नहीं आप बड़े हो गए हो, आप खुद ही चलो, है ना। लेकिन धरती जिस दिन पैदा हुए तब से लेकर जब तक मरते नहीं है तब तक हमारा बोझ उठाती रहती है। तो धरती का उपकार है हमारे ऊपर। उसी तरह से ये वायु, कभी सोचा है वायु का कितना उपकार है हमारे ऊपर। अगर ये वायु नहीं होती तो हम सांस ही नहीं ले पाते, है ना, दम घुट कर मर गया होता। तो फिर ये वायु का हमारे ऊपर उपकार है। जल का हमारे ऊपर उपकार है कि अगर जल नहीं होता तो हम पानी नहीं पी सकते, पानी नहीं पी सकते तो हम मर गए होते, है ना। ना ही अन्न उपजता, ना फल, ना फ्रूट्स, ना सब्जियां, ना फ्लावर्स, कुछ भी नहीं होते। और सबसे उससे भी बड़ी बात क्या है, हमारी जो ये इंद्रियां है ना, प्रत्येक इंद्रिय पर एक देवता है। हर एक इंद्रिय जो कार्य कर रही है, जैसे ये हाथ उठ रहा है, आंखें जो है ना वो झपकती हैं, हम बात कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण इंद्रियों पर अश्विनी कुमार है, और जो आंखें हैं पलकें उन पर निमि देव हैं, सूर्य देव हैं, इंद्र देव हैं, चंद्र देव, प्रत्येक अंग के ऊपर देवता कार्य कर रहे हैं।
यहाँ पर चित्रगुप्त बैठकर लिख रहे हैं कि भाई हम कौन कौन से अपराध करते, तो उन सब देवताओं की हम ऋणी हैं, देव ऋषि। उसके बाद दूसरा ऋण है ऋषियों का। ऋषिगणों ने हमारे ऊपर क्या उपकार किया है? ऋषियों ने हमें शास्त्र दिए हैं, हमें ज्ञान दिया है। आप सोचिए, अगर ऋषिगण ना होते, अगर वो महात्मा, वो संत ना होते जीवन में, ऐसे बोलते हैं कि संत ना होते जगत में तो जल मरे संसार। जीवन में इतने टेंसेस हैं, टेंशन्स हैं, इतने क्राइसिस हैं, इतने ऑब्स्टिकल्स हैं, इतने दुख हैं कि अगर हमको शास्त्रों का सहारा ना मिलता, अगर हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान ना होता, अगर हमें ये पता ना होता कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और भगवान हर एक क्षण में हमारी सहायता कर रहे हैं, हमें साथ दे रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, ये अगर ऋषियों ने, भक्तों ने हम तक ज्ञान नहीं दिया होता तो हमारे लिए एक एक क्षण गुजारना जो है वो कठिन हो जाता। क्योंकि ये संसार कैसा है, पदम पदम यद विपदा सर्वत्र दुखम पश्येत, हर एक कदम पर विपदा है, हर जगह पे दुख दिख रहा है। तो उस दुखों को दूर करने का उपाय जो शास्त्रों में बताया गया है कि किस तरह से हम हरि नाम का जप कर सकते हैं, किस तरह से भगवान को स्मरण कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं, ये ऋषियों का। देव ऋषि भूत, भूत का मतलब होता है अलग अलग प्राणी, जो जितने भी प्राणी हैं जो अलग अलग ना शरीरों में हैं, उन्होंने हम पर कृपा की है। हमारे जो रिलेटिव हैं या फिर संसार में भी अभी देखें अलग अलग वर्ण के लोग होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो सब लोग हमको कोई ना कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर आप सोचिए कि आपको अपना सारा काम खुद से करना हो, एक सारा काम किसी की भी हेल्प नहीं लिया, अब आप नहीं लो, खुद से करो, खुद से सुबह को उठो, आपने खुद से अनाज उगाना भी है, उसको काटना भी है, उसको पीसना भी है, उसको बनाना है और फिर रोटी खानी है, तो एक रोटी खाने के लिए जीवन खत्म हो जाएगा। खुद से आपको कॉटन बोना है, उसका उसको है ना फैक्ट्री में जिस तरह से है ना उससे कपड़ा बनाते हैं वो बनाना है, उसके बाद उस कपड़े को सिलना है और उसके बाद पहनना है, तो एक ड्रेस बनने में ना कितने साल हो जाते हैं। मतलब हर एक चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कितने हाथों से गुजर कर हम तक पहुँची है, तो कितने सारे लोगों का हमारे ऊपर उपकार है। और उसके बाद आप्ता का मतलब होता है पशु पक्षी। इस संसार में बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो कि हमारे लिए बहुत सारा कार्य करते हैं, जैसे बैल है, बैल जो है वो किसान उस पर हल चलाता है और बैल के कारण जो है खेती होती है। उसके अतिरिक्त घोड़े होते हैं, घोड़े जो हैं उनके ऊपर राइडिंग करते हैं, जो गधे होते हैं वो सामान लेके जाते हैं, तो अलग अलग पशु हैं। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं बहुत सुबह सुबह उठती है, कोयल गाती है, हमको कितना अच्छा लगता है, उसका वॉइस भी सुनते हैं हम, और उसके अलावा पंछियों की चहचहाट होती है। और इसके अतिरिक्त दूसरे जो योनियां हैं, जैसे फूल हैं वो खिलते हैं, हमको सुगंध प्रदान कर रहे होते हैं, और ये जो वृक्ष हैं उनके उनको देखते हैं हम, उनसे ऑक्सीजन मिलती है ये। और इसके अतिरिक्त गौ माता है, उसका दूध पीते हैं हम, तो कितना सब पशुओं से हम ले रहे हैं, तो उनके भी हम ऋणी हैं। तो ये सब ऋण हैं, और उससे भी बड़ा जो ऋण है वो क्या है, वो है पितरों का ऋण। पितरों का हमारे ऊपर क्या ऋण है? पितरों ने हमको ये शरीर दिया है, हमको ये जीवन दिया है, ये पितरों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। ये जो शरीर है, आज हम अपने शरीर के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, अपने इस शरीर के द्वारा इसको यूज करके हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं, इतना सारा फेम प्राप्त करते हैं, इतना सारा धन प्राप्त करते हैं, इतना सब कुछ जो हमें मिला है वो इस शरीर के द्वारा, लेकिन ये शरीर कहाँ से मिला है? बेशक जीवन तो भगवान की ओर से मिला है, लेकिन ये शरीर कहाँ से मिला है? ये पितरों के कारण मिला है। जो हमें कुल मिला, जो हमें गोत्र मिला, वो हमारे पितरों की देन है, तो उन के कारण इन पितरों का हम पर उपकार है। तो वैसे तो हमको ये सारे उपकार उतारने हैं, लेकिन अब ये जो समय चल रहा है वो है पितृपक्ष का। अब
एक तो बात पहले ये समझनी है कि अगर हमारे पितर यहाँ से चले जाते हैं, जैसे हमारे पुरखे हैं उनके पास बहुत सारी जायदाद होती है, और अगर वो चले जाते हैं तो वो जायदाद किसको मिलती है? उनके बच्चों को मिलती है, उस पर उनका अधिकार होता है ना। और अगर आपके पितरों का किसी पे कोई कर्ज है तो वो भी उनके बच्चों को पूरा करना पड़ता है। भाई बच्चों को कहा जाता है कि आपके पिताजी का ये कर्ज है, तो बच्चों का ये कर्तव्य है कि उसको पूरा करें। उसी तरह से जिस तरह से उनके धन का हम पर अधिकार होता है, उनके कार्यों का जो उनके, उसके अलावा जो उनकी फैक्ट्रीज हैं, जो उनके घर हैं, बैंक बैलेंस है, उस पर हमारा अधिकार होता है ना, उसी तरह से उनके, उन्होंने जो हमको दिया है उसी में से हमको उनके लिए कुछ करना है। उनके लिए क्या करना है? वैसे तो पूरा साल जो है, जब तक वो जिंदा रहते हैं हमारे पितृगण, पितृ में क्या आता है, हमारे माता पिता आते हैं, उनके माता पिता आते हैं, उनके माता पिता आते हैं, तो उन सबका पहले जब तक वो जीवित हों तो हमको आदर करना है। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका निधन हो जाता है, तो पूरे साल में 15 दिन ऐसे आते हैं जिस समय में हमको उनके लिए श्राद्ध करना होता है। ये 15 दिन में क्या होता है? वैसे तो इन 15 दिनों में ही हम उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं और ब्राह्मणों को भोजन खिला सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भागवत कथा कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में हरि नाम का जप करके 1-2 माला अपने पितरों के लिए समर्पित कर सकते हैं। और इस 15 दिन में जो तिथि में हमारे पितरों का निधन होता है, जो तिथि होती है, उस तिथि में स्पेशली हमको ब्रह्म भोज कराना होता है, उस तिथि में हमको ब्राह्मणों को खिलाना होता है और कीर्तन कराना होता है और है ना हरि नाम का जप करना होता है। उससे हमारे पितर जो हैं उनको आनंद प्राप्त होता है और वो हमको आशीर्वाद देते हैं। यदि ये क्यों होता है, ये पितृगण कहाँ होते हैं? किसी का ये प्रश्न हो सकता है कि मरने के बाद तो कोई ना कोई लोक में चले जाएंगे, वहाँ पर उनको हमारा दिया हुआ भोजन कैसे मिलेगा? तो वास्तव में क्या है, एक व्यवस्था है भगवान की कि मरने के बाद पितृलोक में जो है वो सारे जितने भी हमारे पूर्वज हैं पितृलोक में उनको भेजा जाता है, और पितृलोक में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। बस वहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए नहीं होता है, आप जो साल में ये जो पितृपक्ष होता है उसमें जो आप अपने पितरों के लिए ब्राह्मण को भोजन खिलाते हो या फिर जो ब्रह्म भोज करते हो, श्राद्ध इत्यादि करते हो, वो उनको वहाँ पर प्राप्त होता है और वो सारा साल जो है वो उसको यूज़ करते हैं। मतलब पूरे साल की व्यवस्था उनकी हो जाती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि भाई एक दिन किसी ब्राह्मण को खिलाएं, वो सारा साल उनको कैसे पहुँच सकता है, है ना? तो एक सिंपल से उदाहरण से मैं आपको समझाऊं कि आपके जीवन में बहुत सारा समय मतलब सैलरी कब मिलती है? महीने के आखिर में मिलती है ना। सैलरी में क्या मिलता है? आपको एक चेक मिलता है कि भाई ये सैलरी आपको पूरा महीना चलानी है। तो वो सैलरी, वो जो चेक होता है, वो आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि आपको पूरा महीना उसको चलाना है। उसी तरह से वहाँ पर यह व्यवस्था है कि ये जो 15 दिन होते हैं, जो श्राद्ध का दिन होता है, उस दिन जो भोजन आता है वो उसको पूरा, भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि वो पूरा साल उसको यूज़ करते हैं। और इसके अतिरिक्त क्योंकि सारे जितने भी लोग हैं वो वहाँ पर पितृलोक में जो है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आज मेरी तिथि है तो आज मेरा भोजन आएगा, आज मेरी तिथि है तो आज मेरा भोजन आएगा। आप इमेजिन करो कि सब बैठे हुए हैं, सबका पितृलोक का भोजन आ गया और आपके पिताजी बैठे हुए हैं, उनका भोजन अभी तक नहीं आया। तो कितना दुख होगा ना कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा, है ना। मैंने भी तो उनके लिए कितना कुछ दिया जब तक मैं जीवन में था, मैंने उनके लिए कितना कुछ किया, उनसे इतना भी नहीं हुआ कि 2-4 हज़ार रुपये खर्च करके ब्रह्म भोज करवा दे, मेरे लिए कोई
कोई कथा कीर्तन यज्ञ करवा दें। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, यज्ञ दान तपह कर्म नत्याजम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। कि आप चाहे किसी भी अवस्था में, चाहे कितने ही मनीषिण बन जाओ, बड़े से बड़े अगर आप स्थान पर पहुंच जाओ, लेकिन फिर भी आपको ये कार्य कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। तो कभी कभी लोगों को ये लगता है, भाई हम तो भक्त है ना, हमको ये सारे कार्य करने की जरूरत नहीं, तो बस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो उसको है ना ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, पितृ पक्ष में श्राद्ध करना इत्यादि। लेकिन भक्त एक स्थिति आती है, जैसे यहाँ पर इसी श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 41 में बताया गया कि ना किं करो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कृत्यम। कि जो पूर्ण रूप से भगवान का शुद्ध भक्त है, जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, अपने सारे कर्तव्य केवल भगवान की खुशी के लिए करता है, सारे कर्मों के फल भगवान को, उसकी कोई इच्छा नहीं, उसकी कोई डिमांड नहीं, वो केवल भगवान की भक्ति करता है, तो वो इन सब ऋणों से स्वतः मुक्त हो जाता है। लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, हम तो हर एक चीज में इतनी इच्छाएं रखे हुए हैं, इतनी वासनाएं हैं, और हम उस स्टेज पे नहीं है। लेकिन अगर उस स्टेज पे होते भी, तो भी दूसरों को उदाहरण देने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो महान व्यक्ति करते हैं, सब लोग उसका ही अनुसरण करते हैं। इसलिए जब प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु का वध साक्षात भगवान ने उसका वध किया है, फिर भी प्रहलाद महाराज अपने पिता का श्राद्ध करते हैं। यहां से हमें देखना चाहिए कि प्रहलाद महाराज कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान के हाथों से मृत्यु प्राप्त करके, तो डेफिनेटली वहां पर भगवान स्वयं कहते हैं, प्रहलाद तुम केवल अपने पिता के लिए चिंतित हो, अपने पिता को तो छोड़ो, 21 पीढ़ियां आगे की और 21 पीढ़ियां पीछे की तुम्हारी तर जाएंगी, जहां पर जिस कुल में तुम्हारा जैसा भक्त होगा। लेकिन फिर भी नरसिंह भगवान उन्हें ये आदेश देते कि पिताजी का श्राद्ध करना। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कितना आवश्यक है। और इसके साथ ये तो आप बोलोगे बहुत पुरानी, आज के समय में कौन, आज 500 साल पहले अद्वैताचार्य जो कि साक्षात विष्णु और शिव जी के मिलित स्वरूप हैं, उनके पिताजी का जब श्राद्ध आया तो वो भी ढूंढते हैं कि कोई एक वैष्णव मुझे मिले जिनको मैं अपने पिताजी का श्राद्ध कराऊं। तो दो ना विधियां हैं, एक कर्म कांड है और दूसरा भक्ति मार्ग है। तो कर्म कांड में अगर हमसे कुछ मिस्टेक भी हो जाती है, या कुछ ऐसा सोच सकते भाई ऐसा करें नहीं करें पता नहीं सही, लेकिन भक्ति मार्ग इतना तो आनंददायक है कि प्रत्येक कार्य जो हम कर रहे होते हैं वह प्रत्येक कार्य भक्ति बन जाता है। तो श्राद्ध भी भक्ति ही तो है। क्या करना है श्राद्ध में, हमको माला करनी है, हमको कीर्तन करना है, वैष्णवों को घर पे बुला के उनको भोजन कराना है, उनको कुछ न कुछ दक्षिणा देनी है, तो ये एक भक्ति ही तो है जिससे हम भगवान को खुश करेंगे। तो पितृ चाहे कहीं पर भी है, जब भगवान खुश हो जाएगा तो पितृ भी खुश हो जाएंगे ना। तो इसलिए हमको दूसरों के लिए उदाहरण बनने के लिए सबको जो है पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए थे। कैसे प्राप्त किए जानते हो आप? क्योंकि उनको उनके पिता ने आशीर्वाद दिया था। उनके पिता कोई डिवोटी नहीं थे, कोई बड़े भगत नहीं थे, लेकिन जब पितृगण खुश होते हैं और वो हृदय से आशीर्वाद देते हैं, भले वो भक्त ना हो लेकिन फिर भी वो आशीर्वाद लगता है। इसलिए हमको कुछ ना कुछ अपने पितरों के लिए अवश्य करना चाहिए। कुछ लोगों का ये मत है कि हमारे पितृ तो गया में चले गए और गया में उनको सिधारने के बाद हमको पितृ पक्ष में श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। श्राद्ध का मतलब होता है कि उनकी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए कुछ कार्य करना। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदियन्ते आपो न शोषयति मारुता। ना तो आत्मा को कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि उसे जला सकती है, ना वायु उसे सुखा सकती है, ना जल उसे गला सकता है। वो किसी न किसी अवस्था में आत्मा है। और क्योंकि किसी जन्म में उसका संबंध हमारे साथ था, तो उसके लिए हमारा कुछ कर्तव्य बनता है उनके लिए, तो हमको उनके लिए अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। जरूर किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए, जितना भी हमारे से हो सकता है हमको करना चाहिए। और इसका बहुत सुंदर ज्वलंत प्रमाण जो है वो हमको श्रीमद् भागवतम में, जो पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवतम का महात्म्य लिखा हुआ है, उसमें धुंधुकारी और गौकरण की कथा पता चलती है। गौकरण जो है वो गौ से उत्पन्न हुए थे, लेकिन बहुत ही शुद्ध भक्त थे। और धुंधुकारी तो महाखल थे, सारे प्रकार के अपराध करते थे, वाइन, वेमेन, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, सारे अपराध करने के उपरांत जब उसकी मृत्यु हो गई तो प्रेत शरीर प्राप्त हो गया। उसी का जो भाई गौकरण है वो गया में जाकर उनका श्राद्ध करके आए थे, और ये सोच रहे थे कि भाई मैं गया में तो जाकर श्राद्ध करके आया हूँ, अब तो मेरे भाई की मुक्ति हो गई होगी। लेकिन वही धुंधकारी जिसका गया में श्राद्ध करके आए थे, वो प्रेत बनकर भटक रहा था, रो कर कहता है मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत संकट में हूँ, कृपया आप मेरे उद्धार के लिए कुछ कीजिए। तभी गौकरण ने कहा मैं तो तुम्हारा गया में श्राद्ध करके आया हूँ, तो फिर तुम्हारा निधन कैसे हो सकता है, तुम प्रेत यूनियन को कैसे प्राप्त हो सकते हो, तुम्हारा तो मोक्ष हो जाना चाहिए। हम भी सोचते हैं ना हमारे पितरों का मोक्ष हो गया है, लेकिन गहना कर्मणों गति, हमें नहीं पता कि किसने कौन से अपराध किए हैं। इसलिए वहां पर धुंधकारी गौकरण को कहते हैं कि तुमने एक बार गया में श्राद्ध किया है ना, अगर 100 बार भी करके आओगे ना तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा, मेरे इतने अपराध हैं। तो बोला फिर तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, बोला वो तो मुझे नहीं पता, किसी भक्त से, किसी शुद्ध से, वैष्णव से जाके पूछो। तभी गौकरण जो है वो सूर्यदेव से पूछते हैं, सूर्यदेव जो भगवान के प्रथम शिष्य हैं, सूर्यदेव भास्कर से जाके कहते हैं कि आपने तो ना जाने कितने पीढ़ों का उद्धार करता हुआ देखा है, मेरा जैसा भाई है उसने इतने सारे अपराध किए, आप बताइए कि उसका उद्धार कैसे होगा। तब भास्कर सूर्यदेव बताते हैं कि जब श्रीमद् भागवतम का सप्ताह करोगे, 7 दिन में श्रीमद् भागवतम को पढ़ोगे, तब तुम्हारे भाई का उद्धार होगा। और इतिहास गवाह है कि 7 दिन तक जब गौकरण भागवतम पढ़ा है, अपने भाई, वो भाई जिसका श्राद्ध वो गया में करके आए थे उसके लिए जब उन्होंने पढ़ा, तो संसार ने देखा कि वहां से भगवान के धाम से विमान आता है और उसको लेके जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि चाहे कहीं कोई भी सिचुएशन हो, अगर गया में गए भी हैं पितर, तो भी हमको उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए। और उसके साथ साथ में ये तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, खाली दूसरे लोगों के लिए नहीं, साक्षात भगवान भी जब समस्त पांडव जो है महाभारत के युद्ध में जब सबकी मृत्यु हो जाती है, केवल 5 पांडव रहते हैं, तब स्वयं साक्षात भगवान है जहाँ पर, ये जगह जिसको धर्म क्षेत्र कहा गया है, वो जगह जहाँ के लिए गारंटीड थी कि जो भी मरेगा वो भगवत धाम में जाएगा, क्योंकि भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, साक्षात भगवान है वहां सामने। लेकिन फिर भी स्वयं भगवान समस्त पांडवों को, कुंती बुआ को, द्रौपदी को लेकर गंगा के तट पर जाते हैं कि सबके लिए श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान अर्पण करना चाहिए। वो तो भगवान, अभी हम सोचते हैं कि भाई किसी का बच्चा अगर भगवान का भक्त बन जाता है तो उसको ये सब करने की आवश्यकता नहीं, बच्चा भगवान का भक्त बने वो तो एक साइड पे बात है, लेकिन साक्षात भगवान भी जिसके बच्चे बने, त्रेता युग में भगवान श्री राम जो कि साक्षात भगवान हैं, वो जब उनके पिता दशरथ जी का देहांत होता है, उनकी मृत्यु होती है, तो प्रयागराज में महाराजा दशरथ के लिए श्री राम भी श्राद्ध करते हैं। तो बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं, वो है ना मंत्रास पढ़ रहे होते हैं, और भगवान क्योंकि अपने पिताजी के लिए श्राद्ध कर रहे हैं, सीता मैया भी बैठी हुई हैं, तो उस समय क्या होता है के सारे उनके जो पूर्वज है ना वो हाथ आगे करते हैं कि हमको दीजिए, आप हमारे लिए जो भोजन लेके आए हो वो हमको दीजिए। लेकिन वहाँ पर
जितने ऋषि मुनि बोलते हैं कि नहीं इनके हाथ में मत दीजिएगा, क्योंकि आप तो भगवान हो ना, आपके पिताजी के अंदर, आपके पूर्वजों के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो साक्षात यहाँ पर आकर ले रहे हैं, लेकिन आप जो करोगे, अगर दूसरे जो लोग होंगे उनके पिताजी तो नहीं आएंगे, तो उनके लिए तो वो विधि तो नहीं है ना अप्लाई की जाएगी, इसलिए जो विधि है ब्राह्मण को खिलाकर ही उनको पास जाना चाहिए। तो उस समय पितरों को खिलाने के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई कौवों को खिलाते हैं, कौवे को इसके लिए खिलाते हैं क्योंकि पितृलोक के जो देवता हैं उनका नाम है आर्यमान, तो आर्यमान की जो सवारी है वो कौवा है, और कौवे को खिलाते हैं तो वो वहाँ तक पहुँचता है। कुछ लोग गऊ को खिलाते हैं, लेकिन सबसे जो सही, सबसे जो फलदायक विधि है वो क्या है, किसी शुद्ध वैष्णव को खिलाना। इसीलिए जब अद्वैता आचार्य को अपने पिताजी का श्राद्ध करना था तो वो हरिदास ठाकुर के पास जाते हैं। वैष्णव का मतलब ये नहीं है कि वो कहाँ जन्म लिया, हम ब्राह्मण को कैसा देखते हैं कि जहाँ पर उसका जन्म हुआ है ब्राह्मण के कुल में, चाहे वो कुछ भी करता हो वो मांसाहार करता है। अक्सर हम देखते हैं ब्राह्मण होके मांसाहार करते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, अंडा और नशा करते हैं, उनको ब्राह्मण भोज खिलाया जाता है, उनको श्राद्ध का दिया जाता है, माफ कीजिएगा वो नहीं मिलेगा आपके पितरों। इसलिए किसी शुद्ध भगत को, भले वो अच्छे कुल का ना हो, हरिदास ठाकुर तो यवन कुल में पैदा हुए थे, मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे, फिर भी अद्वैत आचार्य ने उनको खिलाया। तो शुद्ध भक्त को, वैष्णव को जरूर हमको भोजन खिलाना चाहिए। और इसके साथ साथ में अगर हम भगवान के भक्त होते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं, जो कि भगवान के अवतार है, उन्होंने अपने पिताजी जगन्नाथ मिश्रा के लिए ये श्राद्ध किया था। और श्रीमद् भगवद गीता में तो अर्जुन की सबसे बड़ी चिंता ही ये थी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं मेरे को युद्ध नहीं करना है, कृष्ण ने कहा क्यों, तब कहते हैं कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, हमारे कुल की जो सनातन जो रीतियां हैं श्राद्ध इत्यादि वो सब समाप्त हो जाएंगे। पतंती पितरो ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये पिंडोदक क्रिया जब समाप्त हो जाएगी तो हमारे सारे पितृ जो हैं वो अपने अपने स्थान से गिर कर नरक में आ जाएंगे। भले वो अच्छे स्थान में पहुंच भी गए हैं, फिर भी अगर उनकी संतान जो है वो पितृ दर्पण नहीं करते श्राद्ध ने, तो गिर कर नरक में आ जाते हैं। अर्जुन ने पूछा है ऐसा, तो हमको थोड़ा सा सिंसियर होना चाहिए, अवश्य पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो साक्षात भगवान उनके लिए करते हैं। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान स्वयं आकर हमारे कार्यों में हमारी सहायता करते हैं। और हम देखते हैं नरसिंह मेहता की कथा में, नरसिंह मेहता भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। एक दिन उनके पिताजी का श्राद्ध का दिन आया, और जब उनके पिताजी के श्राद्ध का दिन आया तो उनके बड़े भाई कहते हैं, ए नरसिंह तू तो हर वक्त खाली हरे कृष्णा करता रहता है, तुम तो कुछ कार्य वार्य करते नहीं हो, कल पिताजी का श्राद्ध है, कितने सारे काम हैं, इतना सुना है कि सारे हमेशा मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही करता हूँ, खाली मैंने, जब पिताजी थे तो सबको खिलाते थे ना। कभी कभी ये सवाल भी उठता है ना कि भाई एक कर रहा है फिर दूसरे को करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। क्या कभी पिताजी ये सोचते हैं कि भाई मैंने बड़े बेटे को तो खिला दिया है, छोटे बेटे को खिलाने की क्या जरूरत है, वो तो सबको खिलाते हैं ना। तो हम सबका अपना अपना कर्तव्य है, अपने अपने स्तर के हिसाब से हम जो कुछ कर सकते हैं वो अवश्य करना चाहिए। तो नरसिंह मेहता को जब उन्होंने बहुत सुनाया कि आप तो है ना कुछ करते नहीं हो, मुझे ही करना पड़ता है, तो उस समय नरसिंह मेहता की जो पत्नी है उसने कहा कि भैया आप फिक्र मत कीजिए, कल जो श्राद्ध आने वाला है उसमें हम भी करेंगे, आप भी करिएगा, आप भी करिएगा, और हमारा भी जो कर्तव्य है, जितना हमारा जो स्थिति है उसके अनुसार हम भी श्राद्ध करेंगे, हमारे भी तो पिताजी हैं ना। तो ऐसा कहकर नरसिंह मेहता तो अपने घर पे चले गए, और पत्नी को कहने लगे कि भाग्यवान हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, हम कैसे कह दे, आपने कैसे कह दिया, हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। तब नरसिंह मेहता की पत्नी कहती है, आप चिंता क्यों करते हो, मेरे पास कुछ है जिससे हम श्राद्ध कर सकते हैं। तो बोला तुम्हारे पास ऐसा क्या है, मैं तो कुछ कमाता नहीं हूँ, हर वक्त तो भगवान का नाम लेता रहता हूँ। तो बोला यही नाम तो अनमोल है,
इसके द्वारा सब कुछ हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। और नरसिंह मेहता की पत्नी की कान में एक बाली थी, लौंग थी नाक में, नाक की जो लौंग थी वो दी बोला इसको बेचकर कुछ जो वस्तु है श्राद्ध के लिए, जो भोजन बनाने के लिए आटा चावल दाल खीर घी सब कुछ लेके आओ, हम कुछ प्रसाद बनाएंगे और ब्राह्मणों को खिलाएंगे। तो बोला ये यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर हमारे घर में कुछ, अगर हमको अपनी आखिरी माता पिता की निशानी भी बेचकर भी श्राद्ध करना पड़े ना तो भी करना चाहिए। तो नरसिंह मेहता को दिया। नरसिंह मेहता सुबह उठे और सब सारा सामान लेके आए, आटा चावल गुड़ सब कुछ लेकर आए और उसको बोला बनाओ। जब उन्होंने देखा, वो बनाने के लिए बैठ ही रही थी तो देखा कि नहीं था, अभी बोला कि घी के बगैर कैसे बनेगा, क्योंकि जो कुकिंग करते हैं उनको पता है सबसे पहले घी डाला जाता है, चीज़ें डाली जाती हैं, गूंदा भी जाता है आटा वाटा तो भी घी ज़रूरी होता है, तो घी तो था ही नहीं। तो नरसिंह को बोला आओ, अभी मेरे पास पैसे तो ख़त्म हो गए जो तुम्हारी नथनी से मिले थे, बोला आप कैसे उधार ही लेके आ जाओ, कुछ दिनों के बाद कैसे भी हम करके चुका देंगे। हर जगह से पूछा, वहाँ पूरी था, थोड़ा सा घी दे दो मुझे, थोड़ा सा घी दे दो मुझे, अपने पिताजी का है ना श्राद्ध करना, और साथ में सारे ब्राह्मणों को बोल दिया कि आज हमारे घर पे पिताजी का श्राद्ध है, आप जरूर आना आज हमारे घर में पिताजी। तो सारे ब्राह्मण तो उसे जानते थे, बोला इसके पास कुछ क्या, बोला हाँ आएंगे आएंगे। तो उसने, उनको पता था कि उसके भाई के घर में तो हर साल जाते पर तो बहुत अच्छा भोजन मिलता है, इधर ही जाएंगे, इधर कौन जाएगा। तो ऐसे करते 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 नरसिंह मेहता घूम रहे हैं पूरे बाजार में घूमा, उनको कोई घी नहीं दे रहा था क्योंकि उनको सबको पता था कि इनके पास तो पैसे ही नहीं है। फिर ऐसे करते 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 गांव के एकदम कोने में, बिल्कुल गांव खत्म हो रहा था, वहां पर एक वैष्णव भक्त की दुकान थी और उस भक्त के पास जाके बोला कि मेरे पिताजी का श्राद्ध है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे थोड़ा सा घी दे दीजिए। उसने बोला कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो जब भी आपके पास पैसे होंगे तब देना, अगर नहीं होंगे तो भले नहीं दे देना, लेकिन ये तो मांगे कि मैं किसी भक्त के काम आया तो मैं आपको घी देता हूँ। घी तो दे रहे थे लेकिन साथ में बोले कि मुझे बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, आप बहुत अच्छा भगवान का भजन करते हो, बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, थोड़ा सा मुझे भी सुना दो, मेरा भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अब भक्त तो क्या है, उसको बस खाली एक समय मिलना चाहिए, एक ऐसा अवसर मिलना चाहिए कि भगवान का गुणगान करने का अवसर मिले। और जैसे ही उसने कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो वो भगवान की कीर्तन में लग गए। वो सुबह को पहुंचे थे 10 बजे, किया कीर्तन करते 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 कीर्तन करते हैं आने के लिए, कितने लोग सुन रहे हैं, ज्यादा लोग सुनते तो ज्यादा जोश से करते हैं, थोड़े लोग होते हैं बोले कोई आया ही नहीं कीर्तन कैसे करें। लेकिन नरसिंह मेहता किसके लिए कीर्तन करते थे, वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को रिझाने के लिए कीर्तन करते थे। आप याद रखिए, जो कार्य आप संसार के लिए करते हो ना, संसार वो सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन देखता है, लेकिन जो भगवान है वो तो इंटेंशन देखता है कि आप किस भाव से कर रहे हो। तो नरसिंह मेहता बड़े ही भाव से भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, करते 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 12 बज गए, 1 2 3 4 5 इतनी देर हो गई। और यहाँ 5 बज गए तो उसकी पत्नी परेशान, इधर आ रही है उधर जा रही है इधर आ रही है, तो बोले अभी तक पति क्यों नहीं आए, घी लेके आएंगे, मुझे इतना सारा प्रसाद बनाना है, इतनी सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी है, अभी तक घी नहीं आया। और उधर नरसिंह मेहता गाए जा रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जब आप भगवान का नाम लेते हो ना तो आपके सारे कार्यों की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। यदि आप पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ भगवान का नाम ले रहे हो ना, तो भगवान जो है ना वो आपके किसी काम को अधूरा नहीं रहने देंगे। ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। वहां भगवान गोलोक वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि मेरा भक्त तो मेरा नाम ले रहा है, फिर उसका काम कैसे होगा, वो तो भूल ही गया।
कि मैं अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए घी लेने के लिए आया था। भगवान वहां पर बुलाते हैं सारे अपने पार्षदों को, रुक्मणी इधर आओ, सत्य मामा, लक्ष्मी, सब लोग आ जाओ यहाँ पर। तो सब लोग आ गए, बोला क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ? उद्धव को बुलाते हैं, अपने सारथी को बुलाते हैं, बोला जल्दी चलो नरसिंह मेहता के घर पे, ब्रह्म भोज की तैयारी करनी है। तो सब जो है वो अलग अलग दास दासियों का स्वरूप धारण करके वहां पर नरसिंह मेहता के घर पे आते हैं और नॉक करते हैं, और भगवान स्वयं नरसिंह मेहता का स्वरूप धारण करते हैं। जैसे नरसिंह मेहता का रूप लेकर भगवान अंदर जाते हैं, उनकी पत्नी दरवाजा खोलती है और बोलती, खोलते ही वो बरस उठती है, नरसिम्हा यही काम के लिए आपको भेजा था, सुबह से गए हो, आधी रात होने को, अभी 5 बज गए, अभी तो संध्या का समय होने वाला है, ब्राह्मण आएंगे, मैं उनको क्या खिलाऊंगी, कुछ भी नहीं है, और अभी बनाना है, कितनी सारी तैयारियां करनी है, आपको कुछ एहसास ही नहीं है। तभी वो भगवान के रूप में, भगवान ने तो कभी किसी के भगवान है उनको कुछ सुनने की आदत नहीं थी, लेकिन आज भक्त का रूप धारण करके आए तो बोले मुझे क्षमा कर दो, आप फिक्र नहीं करना, मैं सब व्यवस्था करके आया हूँ, सब ये लोग आए ना सब आपकी सेवा में सहायता करेंगे, आप बस आइए बताइए करना क्या है। तो सारे जितने भी आप सोचिए, लक्ष्मी महारानी, रुक्मणी, सत्यभामा, यामवंती, कालेंद्री, वो सब कुकिंग में लग गई हैं, तो क्या प्रसाद बन रहा होगा, सब प्रसाद बना रहे हैं, और सब बाकी जो जितने भी पार्षद हैं वो सेटिंग कर रहे हैं बाहर के काम, ब्राह्मणों को भेज, 5 मिनट में सारा कार्य हो गया, और इतनी तो उसकी सुगंध हो रही थी, वो कुकिंग जो बना रहे थे प्रसादम, इतनी सारी वैरायटी ऑफ प्रसादम बनाया, और उसकी इतनी खुशबू जो पूरे गांव में खुशबू फैल रही थी, तो सारे पंडित गण सोच रहे थे इतनी सारी खुशबू कहाँ से आ रही है, अपने बच्चों को भेजते हैं जाओ देख के आओ ये इतनी अच्छी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो उनके बच्चे जाते और बोलते पिताश्री पिताश्री नरसिंह मेहता के घर में इतने सारे लोग कुकिंग कर रहे हैं, इतनी सारी प्रसादम, इतनी सारी वैरायटी है, हलवा, पूरी, जलेबी, मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, केक, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं और इतनी सुगंध। तो सब ने कहा कि अच्छा इतना सारा उसके पास कहाँ से आ गया जो इतनी सारे प्रसादम बनाए। तो सब लोग जो है ना वो खुशबू की वजह से खींचते खींचते वहाँ पर आए, और जैसे ही आ रहे थे तो नरसिंह मेहता ने अपनी पत्नी को बोला कि सबके लिए चौकियाँ बिछा दो, जो सोने की चौकियाँ सबके लिए। तो उसने बोला मेरे पास सोने की तो एक ही नथनी थी, वो तुम्हें दे दी, चौकियाँ, चौकी होती है ना जैसे एक बैठते हैं और फिर चौकी के ऊपर रख के प्रसाद हम खाते हैं। तो बोला हाँ वो अंदर जो स्टोर रूम है ना वहाँ पर चौकियाँ रख दी हैं। तो वहाँ पर जितने ब्राह्मण थे उतनी सोने की चौकियाँ रखी हुई हैं, और उनके साथ साथ में बोला वो सोने के बर्तन लेके आओ। तो दूसरा जो अंदर वाला स्टोर रूम था वहाँ पर सोने की प्लेट, सोने के चमचे, सोने की कटोरियाँ, वो सब उनको रख के दे दी। और फिर उसके बाद इतना प्रसादम उनको खिलाया, इतना प्रसादम खिलाया, इतना टेस्ट था, जाहिर सी बात है किसने बनाया था। तो वो सब देवियों के हाथों का प्रसाद खाते 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 उनका जी नहीं भर रहा था, जितना खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं। और फिर जब पूरा प्रसादम का हो गया, सब तृप्त हो गए, उसके भाई के घर में तो कोई गया ही नहीं, यहाँ तक कि जब वो आ रहे थे तब कुछ अपने घर के, जैसे किसी ने अपने बच्चे को, किसी ने अपनी बीवी को, किसी ने किसी को उधर भेजा, फिर वहाँ से भी दूसरे दूसरे लोगों को भेज के बोलते उधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, यहाँ पर तो इतना बहुत ही आनंद है, सब लोग यहाँ पर आके खाओ। तो सब लोग वहाँ पर आके जमा होते, सब खा लेते हैं। फिर नरसिंह मेहता वहाँ पर अनाउंस करते हैं कि जिस जिसने प्रसादम खा लिया वो अपने सोने की चौकी और प्लेट लेके जाना अपने साथ। वो सब खुश हो गए, और फिर उसके बाद सबको वस्त्र और आभूषण दान दिए जाते हैं। जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं उनको बनारस की साड़ियां, ब्राह्मणों को धोती और बहुत सारी चीज़ें उनको दान में दी जाती हैं। तो ये इनकी पत्नी जो है नरसिंह मेहता की, बहुत हैरान हो जाती है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, आज मेरे पति ने इतना सब कहाँ से लाया है, इतना तो पूछने का तो अवकाश हुआ ही नहीं, बोला कि ये सब चले जाएं फिर पूछती हूँ। अब जैसे ही ये सब चले गए तो सारे सारे जितने भी भगवान के पार्षद लोग आए थे उनको बोला आप लोग निकलो, मैं भी निकल रहा हूँ। तो नरसिंह मेहता ने अपनी पत्नी को कहा, भगवान के रूप में थे, उन्होंने बोला भाग्यवान मैं बहुत थक गया हूँ, मैं स्नान करके आता हूँ, संध्या गायत्री करके फिर मैं भी प्रसादम ले रहा हूँ। तो बोला ठीक है, तो करके आओ, मुझे भी तुमसे बात करनी है। तो वो तो स्नान करने के लिए गए, और वो जो असली वाले नरसिंह मेहता है वो तो अभी तक भजन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो गए हैं और उसी टाइम पर उनका ध्यान टूटा है,
और ध्यान टूटा तो देखा अबे संध्या हो गई, आज तो मेरे पिताजी का श्राद्ध था, मैं तो घी लेने के लिए आया, अब मैं घर पे जाऊंगा, श्राद्ध तो हुआ नहीं, उसका भय कम लग रहा था और पत्नी जो मुझे डांटेगी या उसकी जो डांट पड़ेगी उसका उसको ज़्यादा अफसोस हो रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा अब क्या कर सकते हैं, घर तो जाना ही है, तो घी का देगड़ा लेकर, देगची में घी डाल के दिया था, वो लेके घर पे जाता है और कहता है भाग्यवान मुझे क्षमा कर दो। बोला क्यों, आप क्षमा किस लिए मांग रहे हो? तो बोला मुझे आने में देर हो गई। बोला देर कहाँ हो गई, तुम तो कब से यहाँ पर हो? तो वो समझ रहे थे शायद व्यंग कर रही है मेरे पर, तांस कर। बोला नहीं मैं घी ला। बोला घी की क्या जरूरत है, सबको घी से नहला के भेजा है तुमने। तो बोला लेकिन मैं आ नहीं सका, वो कारण ये हुआ। बोला कारण क्या, मुझे तो ये बताओ कि इतना सारा आयोजन तुमने किया कैसे? तभी तो परेशान हो गए नरसिंह मेहता। बोला आयोजन कैसा? बोला अभी जो इतने सारे ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, उनको इतना सारा दक्षिणा दी और ये सब सोने के बर्तन, ये सब कहाँ से आए थे? तभी नरसिंह मेहता ने बोला मैं तो कुछ नहीं लेके आया, मैं तो अभी आया। बोला आप ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं स्वयं मैंने देखा आप ही खुद लेकर आए थे। तो बोला नहीं भाग्यवान वो मैं नहीं था, मैं तो वहाँ घी लेने के लिए गया था, पूरे मार्केट में मुझे कोई घी नहीं दे रहा था और एक जगह पर किसी भक्त ने मुझे बोला भगवान के नाम का कीर्तन सुना दो, तो मैं तो उसी ध्यान में लगा रहा। देखो मैं भगवान का नाम जप कर रहा था और भगवान मेरा काम आके कर रहे थे। तो साक्षात भगवान ने नरसिंह मेहता के घर पे आकर उनके पिताजी का श्राद्ध कराया। तो वो तो भगवान के भक्त थे ना, वो तो नाम जप कर रहे थे, उनको क्या जरूरत थी। लेकिन पिता के लिए, अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना कितना आवश्यक है वो स्वयं भगवान आके बताते हैं। तो हम सबको अवश्य अपने पिता अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए और उसमें हमको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मंदिरों में हम महाप्रसादम कर सकते हैं जहाँ पर सारे ब्रह्मचारी सारे भक्त लोग प्रसाद खा सकते हैं। उसके अतिरिक्त हम गीता और भागवतम का पाठ कर सकते हैं, हरिनाम का जप करके अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को बुलाकर पिंडदान करा सकते हैं। इससे हमारे जो पितृगण हैं वो संतुष्ट होते हैं और हमको बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद में बहुत पावर होता है। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ऋणी जो है वो दुखी होता है, उसी तरह से इस तरह से हम जब पितृऋण से मुक्ति प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद प्राप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। आप सबसे निवेदन है कि कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो ज़रूर पूछ सकते हैं। प्राण प्रिय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय हो। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो लिख कर सेंड कर सकते हैं, अन्यथा हम कथा को यहीं विराम देंगे। मैसेजेस में आपके दूसरे मोबाइल में बन गया।